गाइस नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम व्लॉगिंग टुडे और आज है वैसे फ्राइडे और मैंने सोचा भी एकदम रैंडमली सोचा कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। व्हाई? बिकॉज आज मैं जा रही हूँ अपने बालों को फाइनली कट कराने के लिए। एक्चुअली मैं कल जाने वाली थी, मैं सैटरडे जाने वाली थी अपने फ्रेंड के साथ, तो हुआ ये कि शी टेक्स कोचिंग क्लासेस, मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सैटरडे या संडे में अपन लोग चलेंगे, उनको भी स्पा वगैरह कुछ करवाना था। बट सिनेरियो क्या है मुंबई का, यहाँ पे मुंबई का नहीं पता बट स्पेशली इन थाने अभी क्या चल रहा है, सैटरडे संडे बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद रखता है, मतलब स्ट्रिक्टली बंद रहता है। तो मैंने वही दो तीन पार्लर्स जहाँ पर मैं जाना प्रेफर करती हूँ जगहों पे मैंने कॉल करके पूछा, तो उन्होंने बताया कि नहीं बिल्कुल ही बंद रहेगा, तो वैसा सिनेरियो हो रहा है। तो अब फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है तुम निकल जाओ, मैं बाद में देखती हूँ। तो मैं तो अभी निकल रही हूँ, मैंने अपॉइंटमेंट ले लिया है, 3:15 बजे का मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। तो मैं जा रही हूँ एनरिच एंड यहीं पास में ही है जिस सैलून में मैं पहले जाती थी ना, वहाँ पर क्या होता था जैसे 800 रुपीज वो हेयर कट का लेते हैं विद हेयर वॉश लेते हैं। अब क्या कर दिया उन्होंने, हेयर वॉश आप खुद करके आओ या फिर आप 400 रुपए हेयर वॉश का अलग से दो। तो अभी मैं वॉश करने के लिए जा रही हूँ, शार ले चुकी हूँ सुबह ही, क्योंकि मुझे ये था कि हम लोग कल जाएंगे तो मैं कल करती, बट अभी मुझे अभी निकलना पड़ेगा। अभी मैं काम मुझे आज करना था एडिटिंग भी, बट ठीक है वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ फटाफट से हेयर वॉश करती हूँ और हेयर वॉश करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ओके गाइस, सो आई गॉट रेडी और मैंने ये टॉप एंड साथ में ये स्कर्ट पहना हुआ है। पहले मैंने दूसरा टॉप निकाला था पहनने के लिए, बट देन फिर मैंने सोचा ब्लैक कलर का टॉप पहन लूंगी तो मुझे दिखेगा ही नहीं कि मेरी कट कैसे हुई है, मतलब इस तरह के क्लोथ के फैब्रिक के ऊपर, मतलब इस कलर में ये दिखता अच्छे से ना। और ये मैंने पानी, मेरे बालों का पानी, बिकॉज अभी भी माय हेयर आर स्टिल वेट। मैं फटाफट से निकलती हूँ बिकॉज 3:15 का मेरा अपॉइंटमेंट है, 3 बज चुका है, तो चलिए चलते हैं। और मैं हमेशा अपने साथ पानी की बॉटल रखती हूँ और आधी रखती हूँ, फुल नहीं वो करती हूँ क्योंकि फिर वो वेट ज़्यादा हो जाता है, मतलब थोड़ा सा इनकेस कभी पैदल जा रहे हैं घबराहट हो गई कुछ तो उसके लिए। एंड साथ में हम लेंगे हमारा ये अम्ब्रेला। ओके गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं। Reached here and ये बाल देखो कैसे हो गए, बिकॉज हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है एंड लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर काफी सारे। ओके गाइस, आई एम डन विथ माय हेयर कट और मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से ट्रिमिंग करवा लिया है, मतलब अच्छा खासा ट्रिमिंग करवाया है एंड एब्सोल्युटली लव्ड इट। सो दिस इज माय कट, मतलब ये मैंने उतना ही करवाया है जैसे मैंने बर्थडे के टाइम पे करवाया था ना, जो जनवरी में कट कराया था मैंने, सेम उतना ही उतनी ही लेंथ का करा लिया है वापस से। एंड क्योंकि मेरे बाल थोड़े नीचे से स्ट्रेट है तो उन्होंने बोला आपके बालों में स्टेप्स वगैरह तो डलेगी नहीं, तो उसने स्टेप्स डाली नहीं मेरे बालों में ज़्यादा, सो सिर्फ लेयर्स ही लेयर्स मैंने करवाए हैं। एंड या मतलब आई लाइक डेट, अच्छे लग रहे हैं मुझे काफ़ी। आई ऑल्सो गॉट पेस्ट्रीज एज वेल, थियो ब्रोमा, वही पाइनएप्पल हम लोगों को, मतलब मुझे वैसे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है बट यहाँ पे थियो ब्रोमा है, वहाँ पे ना उसकी पाइनएप्पल पेस्ट्री काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब चॉकलेट से ज़्यादा अच्छी लगने लगी है मुझे, तो वही खाते हैं। सो आई एम सो ऑब्सेस्ड विथ माई शॉर्ट हेयर कि मैं ना अभी अपने सारे जो ड्रेसेज हैं वो पहन पहन के देख रही हूँ फिर से कि अब थोड़ा सा, हालांकि मैंने सिर्फ 1 इंच कट करवाया, मतलब मेरा जो लेंथ है ना वो यहाँ था और मैंने वो इधर करा लिया, दैट्स इट, और कोई बहुत छोटे नहीं करवाए हैं, थोड़ा सा आगे से वही उन्होंने प्रॉपर एक जो होता है ना सिर्फ फिनिशिंग दे दिया है बालों को। हाई एवरीवन, सो अभी हो गई है शाम और जा रही हूँ मैं कुकिंग करने के लिए। एंड ऑल्सो अभी क्या हुआ है ना, आज विक्की शाम को जा करके, मतलब हमारे यहाँ क्या था, पानीपुरी हम लोग कैसे बनाते हैं, फुल्की जो होता है ना फुल्की का पैकेट हम लेके आ जाते हैं, बाकी सब कुछ घर पर बनाते हैं, मसाला मैं बना लेती हूँ और ये सारी चीज़ें मैं घर पर प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो क्या हुआ ना कि मैंने अभी ऐसे निशा को फ़ोन किया कि आज हम फुल्की बना रहे हैं, आ जाओ
खाने के लिए, तो वो बोलती है अरे आज फ्राइडे नाइट है, उस क्लासेस चलती हैं, भैया का भी काम होता है, ये वो फलाना ढिमकाना ऐसे करके। और विक्की ने भी भैया को थोड़ा कन्वेंस किया कि आप आ जाओ, फिर अभी उनका कन्फर्मेशन आया है कि ठीक है, वो काम वाम सब साइड में रख करके। पानीपुरी सुन के कौन बना करता है, आज हम पूरा घर का चीज़ें बना रहे हैं तो स्नैक्स ही बनाएंगे, जैसे पानीपुरी बना रहे हैं और सैंडविच बना दूंगी मैं, और देखते हैं अगर बारिश हुई तो फिर भजिए भी बनाने का सोच रहे हैं, मतलब सब घर का करेंगे आज। ओके गाइस, पानीपुरी के लिए जो इंस्टेंट वाटर होता है वो रेडी कर दिया है, हमने चक्के भी देख लिया है, तो एकदम नमक वमक मिर्ची सब कुछ एकदम प्रॉपर है, मज़ा आ जाएगा। मैं अभी ये कह रही थी बारिश होनी चाहिए तो मज़ा आएगा, मतलब बारिश में होता है ना गरम 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 खाने का मन करता है, तो पानीपुरी खा रहे हैं। वैसे बारिश में खाना नहीं चाहिए पानीपुरी, बट ठीक है ज़्यादा नहीं खाएंगे। और नेक्स्ट डे मैं फटाफट से सैंडविचेस प्रिपेयर करके रख देती हूँ, जब आएंगे तब गरम गरम बनाऊंगी। ओके गाइस, तो हमारा डन हो चुका है, कितना बज गया है, 11 बज रहा है, तो एक्चुअली वो इसलिए चले गए क्योंकि 11 बजे उनकी कॉल थी भैया की, एंड खाया पिया और उसके बाद अब हम लोग संडे को भी हमने प्लान बनाया, संडे को हम लोग जाएंगे उनके घर पे, तो ऐसा हमने प्लान किया है। एंड यस, अभी रात हो गई है, मॉस्किटो नेट लग रही है, तो अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ कल सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है सैटरडे और अभी वही सुबह के काम हम स्टार्ट करेंगे। वैसे तो आज घर साफ ही है हम लोगों का, और विक्की ने बनाया है वाटरमेलन का जूस। तो ये है वाटरमेलन का जूस। टेक एनी फ्रूट जूस अ डे दैट विल कीप किडनी स्टोन्स अवे। एक्चुअली क्या हुआ ना, अरे एक यहीं पे फ्रेंड रहते हैं, तो उन लोगों को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से उनको घर जाना पड़ा है, तो और उसके हमारे जो दो मतलब कपल फ्रेंड्स में, हमारे यहाँ पे दो तीन फ्रेंड्स हैं, तो एक जो है पुणे शिफ्ट हो गए वो लोग, और जो दूसरे हैं उनको मेडिकल इमरजेंसी की वजह से, तो उनको ना किडनी स्टोन हुआ था, तो जब से हमको पता चला है कि उनको स्टोन हुआ है तब से हम ज़्यादा जूसेस पीने लग गए हैं, तो वो लोग अभी अपने होम टाउन में ही वहीं पर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं एंड एवरीथिंग। आएंगे वो लोग थोड़े टाइम में, तो उनका हमारे पास उन्हीं का हमारे पास ही प्लांट रखा हुआ है, वही अभी हम लोग जूस पियेंगे और उसके बाद काम स्टार्ट करेंगे। एंड लिटरली फ्रूट जूस पीने के बाद जो भूख लगती है ना, जो भूख आपको डेढ़ घंटे बाद लगनी होगी, ये पीने के बाद आपको 10 मिनट के बाद लगने लग जाएगी। इतनी आधे घंटे में भूख लगने लगती है, बहुत तेज भूख लगती है इसको खाने का, फिर ऐसा लगता है कुछ चाहिए ही चाहिए अब तो। Cheers. Hello. How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. And got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? मैं वो पूरा डीप क्लीन करा है, मतलब सब चीज़ जहाँ जहाँ पर भी डस्ट हो सकती है सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। एंड नाउ आई एम टायर्ड, थोड़ा सा मैं देखती हूँ जहाँ जहाँ पर भी, आज मैंने क्योंकि ये वाला मैट वाला वो लगाया हुआ है, तो मैं जितने भी मैट्स हैं उन सबको क्लीन कर देती हूँ, थोड़े थोड़े ज़्यादा गंदे होते हैं, और अभी बारिश में तो धोने का सवाल भी पैदा नहीं होता है क्योंकि नॉर्मल कपड़े ही नहीं सुखा पाते, तो ये तो बहुत मोटे मोटे से होते हैं, तो मैं वो क्लीन करती हूँ। हेलो, सो अभी जस्ट मैंने शावर वगैरह ले लिया है और अब हम खाना खाएंगे। खाने में आज बना है दाल चावल एंड परवल की सब्जी। ये रहे हमारे पापड़, ऐसे हम लोग इकट्ठे सब फ्राई कर लेते हैं। आज तो मतलब हम लोगों का सर फट गया ये कटर 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 सुन करके, इतना ड्रिलिंग वाला काम हो रहा है बाहर सैटरडे कि मैं तो अभी अपना काम कर रही थी, एडिटिंग कर रहा था, मुझे कल एक व्लॉग लाइव करना है क्योंकि इस हफ्ते मैंने एक भी व्लॉग नहीं डाला है। शाम के टाइम पे हम लोग इस तरह का कुछ खाते हैं, दिस इज कीनू, खाती हूँ काले नमक के साथ, मतलब बहुत क्रेविंग होती है मुझे इसकी कि मुझे एक जूसी जूसी सा। हाय गाइस, तो अभी रात हो चुकी है एंड लाइट चली गई है, आई थिंक कुछ फेलियर हुआ होगा क्योंकि हमारे जो ये 3-4 बिल्डिंग्स हैं इसमें से किसी की भी मतलब किसी के यहाँ पे भी लाइट नहीं है, पीछे लाइट पूरा है, मतलब सामने सब जगह लाइट है, बट ये जो 3 बिल्डिंग का है ना इधर लाइट नहीं है, तो आई थिंक आई एम श्योर कुछ फेलियर वगैरह कुछ हुआ होगा। बाकी लिफ्ट वगैरह देखते हैं, सब कुछ गया है क्या, नहीं यहाँ पर लाइट है। मॉर्निंग, सो आज है संडे और कल के बाद मैं डायरेक्टली आप मिल गई हूँ। कल एक्चुअली रात में हम लोग ना मूवी देखने बैठ गए थे, तो एक तो वो नई मूवी आई ना 14 फेरे, हमने वो देखे, वो मूवी देखी, उसके बाद हमने एक और देखी मनोज बाजपेयी की साइलेंस,
दोनों अच्छी थी। 14 फेरे में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि कोई भी सॉन्ग रीमिक्स नहीं करे हैं। जितना मैंने मूवी में देखा, मुझे नहीं पता कोई अलग से सॉन्ग एड ऑन कर दिया हो तो, बट रीमिक्स नहीं है, नए सॉन्ग्स हैं, अच्छे सॉन्ग्स हैं, डांस की स्टेप है प्रॉपर, जो पटाखा फिल्मी सॉन्ग्स होते हैं ना वैसे सॉन्ग हैं, नॉर्मल मूवी है, इट्स गुड गुड। दूसरी हम लोगों ने वो देखी साइलेंस, अमेजिंग सस्पेंस वाली मूवी है, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। ये मैं इसलिए इतना, मेरी सांस फूल रही है बिकॉज आई वॉज डूइंग डांस और मुझे सिर्फ डांस करे हुए 15 मिनट्स हुए हैं, और ऐसा भी नहीं मैं कोई नया डांस ट्राई कर रही थी, जो मेरे डांस है जो मैंने अपने डांस वाले बच्चों को सिखा, जिनको नहीं पता है आई वॉज टेकिंग डांस क्लासेस जब तक मैं पुरानी सोसाइटी में रहती थी, 3 साल तक मैंने डांस क्लास लिया है, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को डांस सिखाती थी। तो मैं सोचो मैं इतना ज़्यादा मतलब वो हो रही हूँ, हाँफ गई मैं, मेरे इतने हार्ट बीट्स हाई हो गया है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रही ना, और ये मेरा फोर्टे था, डांसिंग वॉज माई फोर्टे। अभी मैं 15 मिनट भी नहीं कर पाई ढंग से, मतलब कंटिन्यूस मैं एक पूरा सॉन्ग नहीं कर पाई हूँ, और मेरी हालत देखो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है और मुझे बहुत थकान फील हो रही है। सो नाउ वो तो वही है, प्रैक्टिस करते रहो तो ठीक रहता है। जब से ये लॉकडाउन लगा है ना, उस पूरे टाइम पे मेरा बिल्कुल ब्रेक हो गया। पहले डांस क्लास के बच्चे आते थे तो उनके साथ आपको करना ही पड़ता था, तो वो मेरा एक फ्लो में था, बट अभी मेरा बिल्कुल ब्रेक हो गया है। तो नाउ आई हैव टू अगेन गेट इन टू दिस, करती रहूँगी तो ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन आएगा। मेरा ना बिल्कुल डांस से मोटिवेशन ही एकदम हट सा गया था, बट आज जब मैं कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं यार ये मैं नहीं छोड़ सकती, मेरी हॉबी थी, और हॉबी थी क्या, हॉबी है, मुझे पसंद है डांस करना, इसको करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ठीक है, आज मैंने 2-3 डांस ही करे और मैं बहुत थक गई, तो अब मैं ऑल्टरनेट डेज या फिर ट्राई करूँगी आधा घंटा डेली कोशिश करूँ, भले रुक रुक के करूँ, बट वापस से मुझे आना है अपने बैक टू उसमें जो मैं आराम से, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो गई है क्योंकि मैं कुछ स्टेप्स जो मैं पहले बहुत ईजिली कर लेती थी मैं वो कर ही नहीं पा रही हूँ। सो आई हैव टू गेट इन टू दिस अगेन, तो बस वही है। और अभी कुछ नहीं, अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे हम सब बेसिकली ना। आज विक्की वॉन्ट्स अ डे ऑफ, ही डोंट वॉन्ट टू वर्क, मतलब बर्तन मारने की ड्यूटी अदरवाइज उसकी रहती है, तो आज उसको नहीं करना है, तो आज जो यूटेंसिल्स हैं वो मैं वॉश करने वाली हूँ। तो ये हमारा गैस भी साफ हो चुका है। हर 1-1.5 मंथ में 2 मंथ में अपना डीक्लटरिंग करती हूँ, कपड़ों को सॉर्ट आउट करती हूँ और डोनेट करती हूँ। तो अभी भी मैंने काफ़ी सारे कपड़े निकाले हैं, तो इनमें से कुछ जो क्लोथ्स हैं वो ऑब्वियसली यूज्ड क्लोथ्स हैं मेरे, एंड कुछ भी ऐसे नहीं है कि उनमें कुछ फटा है या गंदा है या ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ भी नहीं है, अच्छे क्लोथ्स हैं। कुछ को मैंने 1-4 बार पहना है, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो ऑब्वियसली पीपल जिनको नीड रहती है उनको मैं डोनेट कर देती हूँ। तो वही मैंने एक लॉट निकाला हुआ है कपड़ों का। ये भी मेरा एक ज़िवामे का टॉप है, नाइट सूट का, जो कि नया ही है, तो ये भी मैं दे रही हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे ब्लू कलर के हैं, तो कोई इसको पहन लेगा। उसके बाद फैबली का दिस टॉप, ये भी मैंने ज़्यादा नहीं पहना है बट ये मुझे इतना बहुत पसंद नहीं है, तो ये भी मैं दे रही हूँ। डोनेशन वाला जो है वो रेडी हो चुका है, इसको मैं रख देती हूँ, यहीं पर रख देती हूँ। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर और अभी बाल ड्राई कर रही हूँ मैं, और अभी मैंने मेरा ये स्टीम हो गया, तो पहले हम स्टीम कर देते हैं। स्टीमर जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, वो जो प्लग में लगा हुआ है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, यू शुड इन्वेस्ट इन। अगर आप भी हम लोगों की तरह हैं, हम लोगों को आयन करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और बहुत अच्छे से यू नो क्रीजेस हटा देता है क्लोथ्स के, इवन जो हैवी साड़ीज और सूट होते हैं ना, शिफॉन का जो कपड़ा होता है बहुत ही थिन, जिसको हम आयन करने में डरते हैं और चिपक जाते हैं, वो उसके लिए भी एकदम बेस्ट है, तो वो हो गया है। सो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, दिस इज माई टॉप एंड ये मेरे नीचे बॉटम्स हैं। तो मैं एकदम कंफर्टेबल से ड्रेस पहनी हुई हूँ, ये टॉप पहना हुआ है और नीचे मैंने ये बॉटम पहना है, ये मैंने H&M से ख़रीदा था, पैंट स्टाइल, मतलब बहुत पजामा स्टाइल है, ताकि मैं ना किसी के भी घर जाती हूँ और स्पेशली जिन लोगों से अच्छा रहता है ना, आधे 1 घंटे के बाद फिर मैं बिल्कुल अपने वाले पे आ जाती हूँ, मैं आलती पालती मार के बैठ जाती हूँ, तो मुझे ऐसे कपड़े पहनना होता है कि मैं आलती पालती मार सकूँ। जीन्स में तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते हो, आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो, तो इसलिए मैंने मस्त ही एकदम कम्फी सा
पहन लिया है। तो हम लोग निकल गए हैं एंड बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है। ओके गाइस, सो वी रीच्ड वो बिच्छू हमारी सोसाइटी है और हम यहाँ आ गए हैं। वो रहे हमारी बिल्डिंग्स। बहुत अच्छी हवा चलती है इनके यहाँ पे भी। Running from all things at once. ये है हमारे सुनील भैया। भैया बोलो हाय। ये वही है, इन्होंने चैनल खोलना चाहते हैं ये, बट मोटिवेशन नहीं आ रहा है। और अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों का पूरा होम टूर कराती हूँ। होम टूर मतलब ये लिविंग रूम टूर कराती हूँ। बहुत अच्छे से वेल डेकोरेटेड है, मजा आ जाएगा देखकर। ओके गाइस, तो अब मैं आप लोगों को ना निशा के घर का टूर देती हूँ। बहुत ब्यूटीफुली और बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने बहुत प्यारा एंड बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगे आपको देख करके भी। तो मैं एक अच्छा सा आइडिया देती हूँ, तो इफ इन एनी केस अगर आप इंटीरियर कर रहे हो अपने खुद के घर का, सो यू विल गेट एन आइडिया। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये है यहाँ से नाइट व्यू, और यहाँ पर ना एक छोटा सा लेक भी है जो कि अभी मैंने एक डे व्यू भी लिया है, मतलब इवनिंग व्यू लिया है। तो ये देखिए, अभी ये दिख नहीं रहा है, तो इनके घर से ना बहुत प्यारा सा एक छोटा सा क्यूट सा लेक दिखता है। सो ये है यहाँ का व्यू, एंड ये जो है सामने आ गई है टीवी यूनिट पैनल। तो अभी आप इन्जॉय करिए, अभी मैं इसमें क्या ही वॉइस ओवर करूँ, बस देखिए और इन्जॉय करिए। सो दिस इज एन अरेबिक लैम्प, ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा था मुझे। I watch you as you try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. Okay guys, तो अब मैं आपको मिलवाती हूँ निशा से, जिसका ये घर है। निशा, निशा, अच्छा बताओ अपन कैसे मिले थे? हम एक मॉल, हम दिव्याना मॉल में मिले थे 2018 में, हम दिव्याना मॉल में मिले थे। और आपने निशा का नाम तो बहुत सुना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो घर है वो इसी ने ही सब जुगाड़ तुगाड़ करवा कर वो करके बताया था। तो हम लोग 2018 में मिले थे, एंड सी नाउ वी आर हम रुचि को देके आया है कि घर को कैसे लाइटों से और ये सबसे एकदम अच्छा इंटीरियर करके करना है। इन्हें बहुत अच्छे से रखा है, मतलब कुछ घर होते ना गुस्से से पॉजिटिविटी आ गई। मैं फर्स्ट टाइम आपके घर में आई थी ना, तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस ये था कि निशा मुझे यहाँ गुस्से इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आई है, बहुत अच्छे से घर इन्होंने। व्हाट इज द थिंग ना, कि आप जब एक पॉजिटिव इंसान खुद हो तो आपको दूसरे सारे ही अच्छे लगेंगे। डिप्लोमेटिक गाइस, ये नहीं डिप्लोमेटिक नहीं, एंड मैं सच्ची बता रही हूँ बात, नॉट एज अ फ्रेंड, बट अगर मैं रुचि को नहीं भी जानती या जानती हूँ अभी, बट यस शी इज मतलब ऐसा यूट्यूबर, ये मतलब मैंने नहीं देखा। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों को देखती हूँ, फॉलो करती हूँ, बट यस रुचि के जैसा तो कोई है ही नहीं। दोस्त बन गए इसलिए बोल रहे हैं। मैंने स्पेसिफिकली बोला, अगर मैं नहीं जानती या जानती होती तो yes. नहीं, हम लोग तो जब मॉल में मिले थे हमारा तभी नंबर एक्सचेंज हो गया, तो नॉर्मली बात ऐसे हम करते थे, थोड़ा बहुत कुछ होता था तो। और हाँ. मैंने अब हम लोग डिनर करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में, और निशा स्पेसिफिकली कमेंट्स पढ़ने वाली है। सो
अच्छे अच्छे कॉमेंट करना दोस्तों. चलो ओके चलो बाय बाय. हाय एवरीवन, तो हम लोग आ गए हैं एंड बहुत अच्छी हवा चल रही है. काफ़ी लेट हो गए एक्चुअली आने में. वो होता है ना, बातें ख़त्म नहीं होती है. निशा और हमारी तो मतलब लिटरली, निशा भी बहुत टॉकेटिव है और मैं भी बहुत टॉकेटिव हूँ. तो जब दो टॉकेटिव लोग मिलते हैं तो आप सोचो बातों का जो भंडार है ना वो ख़त्म ही नहीं होता है. या तो उनके पास बहुत बातें रहती हैं या मेरे पास बहुत बातें रहती हैं. ओके गाइज, तो आज का जो वीडियो है ना वो यहीं ख़त्म करते हैं. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो. एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.